नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, अगर आपके दांतों के बीच भी है गैप तो आपका फ्यूचर होगा ऐसा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आदमी के सर से लेकर पांव तक शरीर के हर भाग तथा भाव भंगिमाओं से उसके स्वभाव, चरित्र तथा भूत, भविष्य और वर्तमान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की हम सुनेंगे कि किसी आदमी के दांतों के बीच गैप होने पर उसका नेचर तथा भाग कैसा होता है। एक समान चमकीले दांत होने पर ऐसा होता है भविष्य। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांतों का आकार समान होने के साथ साथ उनमें चमक भी होती है, वे बहुत सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जिन लोगों के दांतों का आकार एक समान तथा चमकीले होते हैं, उनका जीवन बहुत सुखमय बीतता है। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसे लोग पैसे को संभल कर खर्च करना जानते हैं और क्रिएटिव दिमाग वाले होते हैं। दांतों के बीच गैप होने पर आदमी होता है लकी। जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच गैप, खाली जगह होता है, वे लोग ज्योतिष के अनुसार बुद्धिमान और ऊर्जावान होते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। हालांकि उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दांतों के बीच गैप होने पर सामने वाला आदमी खुले विचार वाला होता है और अपने दिल की बात कहने में शर्माता नहीं है। ऐसे लोग पानी, खाने पीने के शौकीन होते हैं और अपनी सुंदरता को लेकर सजग रहते हैं। इन लोगों को आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। पैसे के मामले में भी वे दूसरों से ज़्यादा समझदार साबित होते हैं। दांतों की बनावट से जाने पर्सनैलिटी। ज्योतिष के अनुसार जिन औरतों के दांत आपस में सटे हुए तथा थोड़ी लालिमा लिए होते हैं, उन्हें राजसी वैभव और सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिन लोगों के दांत लंबे होते हैं, उन्हें जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। जिन लोगों के दांत के ऊपर दांत उगे होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों की हर बात होती है सत्य। जिन लोगों के पूरे 32 दांत होते हैं, कहा जाता है कि उनके मुंह में साक्षात सरस्वती विराजमान होती है। उनकी कहीं हर बात 100% सत्य होती है। अगर किसी महिला के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 16-16 दांत हो, तो उन्हें पति का अटूट प्रेम प्राप्त होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।